दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न जानते हैं क्यूब्स और उसके प्राइम फैक्टर्स में। कोई भी क्यूब को जब हम उसके प्राइम फैक्टर में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या क्या पैटर्न हमें यहाँ पर सीखने को मिलेंगे वो एक बारी अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। कुछ एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 4, 6, 15, 12, ऐसे कुछ नेचुरल नंबर ले लेते हैं। इनके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं दोस्तों, क्या क्या होंगे। फोर का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2, 6 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3, 15 का प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 5 और 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर होंगे। अब क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर, इन नंबर्स के क्यूब अगर हम निकालें तो क्या क्या रिजल्ट हमें मिलेंगे देखते हैं। 4 को अगर हम क्यूब करें हमें मिलेगा 64। ठीक है, 6 को क्यूब करें हमें मिलेगा 216। 15 को क्यूब करेंगे हमको मिलने वाला है 3375 और 12 को क्यूब करें तो हमें मिलेगा 1728। ठीक है, कहने का मतलब जब हम इसके क्यूब कर रहे हैं हमारे पास ये रिजल्ट आ रहे हैं। बट इसको दोस्तों क्यूब करने का मतलब है वो क्या है कि आप इसके जो प्राइम फैक्टर हैं उनका भी क्यूब कर दीजिए, 2 इंटू 2 का भी क्यूब कर दीजिए, यहाँ पर आप 2 इंटू 3 का भी क्यूब कर दीजिए, यहाँ पर आप 3 इंटू 5 का भी क्यूब कर दीजिए और यहाँ पे आप 2 इंटू 2 इंटू 3 का भी क्यूब कर दीजिए। ये अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट में मिलेगा 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, यहाँ हमें मिलेगा रिजल्ट में 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, इधर मिलेगा हमें 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, यहाँ मिलेगा हमें 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। गौर कीजिए दोस्तों, जो भी कोई नेचुरल नंबर का हम क्यूब कर रहे हैं वो सेम होता है अगर हम उसके प्राइम फैक्टर्स का भी क्यूब कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सारे के सारे हो गए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब करेंगे तो आपको उसके प्राइम फैक्टर का भी क्यूब ही मिलेगा और जितने प्राइम फैक्टर हैं उनका इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल देखिए आपको क्यूब यहाँ देखने को मिलेगा। ये अभी हमने यहाँ पर समझा इस कंसेप्ट से। अब आइए इस कंसेप्ट को डीपली समझते हैं, ये कंसेप्ट किस तरह से काम कर रहा है। दोस्तों गौर कीजिए, हमारे पास एक नंबर है जैसे हमने लिया था 6, इसका हमने क्यूब किया था। ठीक है, इसका जब हमने क्यूब किया था हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर थे, हमारे पास उसके प्राइम फैक्टर थे वो ये थे 2 इंटू 3। इनडायरेक्टली हमने 2 इंटू 3 का भी क्यूब ही किया था और हमें क्या मिले थे रिजल्ट में देखने को, 2 का क्यूब मिला था और 3 का हमें क्यूब मिला था। इसके रिजल्ट आए थे 216 इसका रिजल्ट आया था। 2 और 3, यहाँ पर 2 इसके प्राइम फैक्टर हैं, इनके ऊपर देखिए ये क्यूब लग गया क्योंकि 6 के ऊपर भी क्यूब लगा हुआ था। अगर आप इसको नॉर्मल एलसीएम मेथड से भी करेंगे, अगर आप 216 को अब LCM से भी नॉर्मल जो फैक्टर मेथड है उससे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ से 2 से करना होगा, ये मिलेगा आपको 108, फिर आपको यहाँ पे 2 से करना होगा, ये मिलेगा आपको 54, फिर आपको 2 से करना होगा, ये मिलेगा आपको 27, फिर आपको 3 से करना होगा, ये मिलेगा 9, फिर 3 से करना होगा, ये 3 मिलेगा। दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो 2 है ये क्या है, ये 2 का क्यूब है और ये जो 3 यहाँ बन रहा है ये क्या है, ये 3 का क्यूब है। कहने का मतलब अगर 216 को आप फिर से फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो आपको ये 2 के क्यूब इंटू 3 के क्यूब से बन के मिलते हैं। कहने का मतलब 216 की डिस्ट्रीब्यूशन 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब से होती है और इसके रिवर्स वे में आप अगर 6 का क्यूब करेंगे तो आपको 216 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब से भी मिल जाता है। तो ये हमने एक चीज़ देखी कि जो क्यूब होता है और क्यूब रूट होता है वो आपस में क्या है, वो आपस में दोस्तों रिवर्स काम करते हैं, इस तरीके से दोस्तों आपस में चलते हैं। तो हम इसकी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि अगर दोस्तों अगर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है पी, ठीक है, और आपके पास प्राइम नंबर का क्यूब रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 का क्यूब रखा हुआ था और आप इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो नंबर है ये पी ही निकल के आएगा, प्राइम नंबर ही निकल के आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर कोई भी प्राइम नंबर पी लेते हैं उसका क्यूब लेते हैं, जैसे कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब यहाँ पे था, उसका आप फर्दर क्यूब रूट ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वही नंबर निकल के आएगा। इसको अगर समझाएं तो ये भी कर सकते हैं, पी तो 3 यहाँ पे आएगा ही आएगा, क्यूब इसका और जो क्यूब रूट है वो इस तरह लिखा जाता है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है पी।
ठीक है। तो चीज़ें वही हैं, अंडरस्टैंडिंग वही है, जस्ट हमें ये देखना है कि कौन सा प्राइम नंबर हम लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। सिमिलरली अगर आप और भी प्राइम नंबर्स लेंगे, जैसे कि हमने 216 का एग्जाम्पल लिया था, इस तरह से अगर इसका आप क्यूब रूट निकालते हैं तो 216 में जैसे हमने पीछे यहाँ पर करके दिखाया था आपको, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्राइम नंबर का वो होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा प्राइम नंबर का वो होगा 2³ × 3³ × 3³। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्यूब बना देंगे जैसे यहाँ बना हुआ है, और ये क्या निकल के आएगा, मैंने आपको बताया था अगर प्राइम नंबर अंदर रखा हुआ है, क्यूब में रखा हुआ है, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको प्राइम नंबर ही मिलेगा फॉर्मूला में। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2 × 3 मिलेगा, और ये क्या है, ये 6 है। ये हमने पहले देखा था कि 6 जो है वो 216 का क्यूब रूट होता है। सिमिलरली अगर मैं 729 करता हूँ, 729 एक नंबर लेता हूँ, इसका मेरे को क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। मैं क्यूब रूट निकाला, 729 को पहले प्राइम फैक्टर में डिवाइड करूंगा, 3 × 3, 3³ × 3³ आएगा, ठीक है। आप इसको इस मेथड से करके देख सकते हैं खुद से, फिर आप इसमें यहाँ क्यूब रूट लगा दीजिए 3 करके। इसको जब ओपन करेंगे तो देखिए इसी फॉर्मूला से क्यूब को अगर आप क्यूब रूट से कैंसिल करेंगे तो आपको 3 × 3 मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 9, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस मेथड से कि अगर हमारे पास कभी भी प्राइम नंबर जैसे मैंने बोला था उसका क्यूब आता है और उसका को क्यूब रूट निकालने को बोलता है, तो आपको पी मिलने वाला है, प्राइम नंबर मिलने वाला है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। वो जो नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब है। चेक कर लेते हैं ऐसे ही, एक और नंबर लेते हैं 500, और देखते हैं क्या 500 परफेक्ट क्यूब बनता है। इज 500 इज परफेक्ट क्यूब, एक बार चेक कर लेते हैं। किस तरह चेक करेंगे, 500 को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में, 2 × 5, 2³ और 5³, इससे 500 बनता है। ये क्यूब रूट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो 500 बनता है 2² × 5³, ऐसे करके बनता है, यहाँ पर क्यूब रूट लगेगा। तो ये वाला जो 5 है ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब रूट है, ये तो 5 बाहर आ जाएगा, बट जो 2 है वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे 4, और यहाँ पे क्यूब रूट लगा रहेगा। तो कहने का मतलब देखिए इसका क्यूब रूट जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। वो परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि उसके अंदर देखिए कोई ना कोई प्राइम नंबर एंड में फंसा रह गया, कोई ना कोई प्राइम नंबर उसके अंदर पड़ा रह गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोस्तों कौन कौन से नंबर हमारे क्यूब रूट और परफेक्ट क्यूब बन सकते हैं और किस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप क्यूब रूट को निकालने के सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर फॉर्म में तोड़िए, और देखिए जो भी 3 की पावर एक्सपोनेंट में आती है वो कैंसिल आउट हो जाएगी क्यूब के 3 के साथ, और आपको सिंपल जो नंबर है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों पैटर्न एनालिसिस से हम क्यूब्स और फैक्टर्स जो हैं उसके प्राइम फैक्टर्स उसमें रिलेशनशिप देख सकते हैं, और देख सकते हैं किस तरह के पैटर्न हमें अंडरस्टैंड कराते हैं, जो क्यूब्स हैं और क्यूब रूट्स हैं उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।